नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में उठी मेडिकल सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते देश के कई राज्यों में कोरोना के मरीजों की जान गई और इसका ही फायदा ढोंगी और अंधश्रद्धालु से सरागोर बाबाओं ने कोरोना का इलाज करने का दावा कर रहे हैं। ऐसा ही मामला MIDC थाना अंतर्गत शुभम ताड़े नामक एक ढोंगी बाबा अपनी देवी शक्तियों से कोरोना का इलाज करने का दावा कर रहा था, जिससे लोग उसके पास जा रहे थे। MIDC पुलिस ने अंधश्रद्धालु निर्मूलन समिति की मदद से शुभम के पंचशील नगर स्थित दरबार में छापा मारा, जहां पुलिस को देख के सारी शक्तियां खत्म हो गई और बाबा पुलिस से माफी मांगने लगा। संचार बंदी होते हुए भी बाबा के दरबार में 50 से ज्यादा लोगों की भीड़ देखी गई, जिससे कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती दिखी गई है। सूत्रों के अनुसार बाबा को गुप्त धन सट्टे के लिए लोगों को आंकड़ा तक निकाल कर देता था। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सदस्य के साथ ही महिला तक्रारदार 13 तारीख को पुलिस थाने में आई। उन्होंने एक गुंडू बाबा एकात्मता नगर एरिया में है ऐसा बताया था। वो वेरीफाई करने के लिए हमारी टीम साक्षीदारों के साथ गई थी। वहाँ जाके रात के समय गुरुवार का दिन था, तो गुरुवार के दिन उनके शरीर में नागों का संचार होता है ऐसा उन्होंने बताया था। टीम भेजी थी तो वो मिल गए थे, उसके अनुसार उनके अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदे के अनुसार कार्रवाई की गई है।